भी है हमारे साथ फोन लाइन पर, इंदर है हमारे साथ। इंदर नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। मेरे पास मैम SCI के 1000 शेयर हैं 76 के प्राइस पे, मैं 3 महीने तक रख सकता हूँ। परचेजिंग प्राइस आपका क्या है? IFCI की आप बात कर रहे हैं? नो मैम, SCI SBI। ठीक है, यहाँ पर आपका बाइंग प्राइस क्या है? 76 का प्राइस है मैम। 176? नो मैम, 76 SCI के हैं मैम, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। SCI आप बोल रहे हैं, माफ कीजिए, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की आप बात कर रहे हैं। ठीक है, आपको कमेंट दिलवा देते हैं। सौरभ, क्या करना चाहिए? शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में 76 इनका परचेजिंग प्राइस है, 70 पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं, यानी 6 रुपए के आसपास का नुकसान इनको हो रहा है। हालांकि 3 महीने में अगर देखें तो परफॉर्मेंस पॉजिटिव है, ये शेयर की 50-55 लेवल से इसने एक अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई भी है, तो नुकसान है जिसकी वजह से इनका कम भी हुआ है। अभी क्या करना चाहिए 70 के लेवल्स पर शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में? देखिए, जो फंडामेंटली स्पीकिंग जो ग्लोबल इकोनॉमी में वीकनेस है, इसकी वजह से ट्रेड जो है वो काफ़ी वीक है। जिस तरह से कमोडिटी प्राइस अभी थोड़े रिवाइव हो रहे हैं, थोड़ा सा एक्टिविटी हो सकता है कि आगे बढ़ जाए, लेकिन ओवरऑल जो ट्रेड एक्टिविटी है वो काफ़ी वीक है, जिसके उसके हिसाब से हम देख रहे हैं शिपिंग इंडस्ट्री के जो स्टॉक हैं काफ़ी वीक है। बाल्टिक ड्राई इंडेक्स भी काफ़ी नीचे आ गया था, वहाँ से रिकवर किया है। और जो थोड़ी सी पॉजिटिविटी देख रहे हैं, तो मेजर कॉस्टिंग होता है शिपिंग इंडस्ट्री में, वो होता है फ्यूल कॉस्ट, क्योंकि क्रूड ऑयल प्राइसेस नीचे आए हैं, तो इसलिए कुछ इनका जो प्रॉफिटेबिलिटी है में कुछ इंप्रूवमेंट आया है। पर मुझे लगता नहीं कि बहुत जल्दी हमें कोई ग्लोबल इकोनॉमी में सुधार देखने को मिलेगा। मेरी सलाह ये रहेगी कि जैसे ही इनको आपने प्राइस के आसपास स्टॉक मिले तो निकल जाएं। मेरी सलाह रहेगी सेल ऑन रैली की। ऑलराइट, चलिए अगला दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं आप फोन लाइन पर। इनफैक्ट एक SMS ले लेते हैं जो हमारे पास आया है। SMS आया है उत्तर प्रदेश से शशि सिंह का, ये जानना चाहते हैं IDBI बैंक के बारे में। 100 शेयर्स हैं इनके पास, 72 के परचेजिंग प्राइस के साथ इन्होंने यहाँ पर निवेश किया हुआ है। IDBI बैंक कैसा लगता है आपको आशीष, और यहाँ पर क्या सलाह देंगे? 5-6 रुपए का नुकसान इनको हो रहा है अभी। साक्षी, IDBI बैंक ने एक लो बनाया था करीबन 47 के आसपास, वहाँ से एक छलांग लगाकर 73 का हाई बनाया है, और उसके बाद ही कुछ कंसोलिडेशन हो रहा है, तो मेरे ख्याल से यहाँ से एक वापस से ऊपर का एक लेग देखा जा सकता है, जो कि करीबन 80 रुपये के आसपास का लेवल दिखा सकता है। तो राय यही होगी कि होल्ड करके रखिए, और नीचे में जो स्टॉप इन्हें लगा के रखना होगा वो स्टॉप लॉस करीबन आएगा 63 का, और ऊपर में टारगेट 80 के आसपास का ये देख सकते हैं। चलिए इसके अलावा पोजिशनल आइडियाज की बात कर लेते हैं, यानी कुछ स्टॉक्स जो कि आप पोजिशनल पर्सपेक्टिव से पिक कर सकते हैं। सौरभ, आपके दो स्टॉक्स कौन से रहेंगे जहां पर पोजिशनल पर्सपेक्टिव से खरीदारी की जा सकती है? देखिए, पहला स्टॉक मुझे लगता है काफ़ी अच्छा जो रिटर्न दे सकता है आने वाले समय में, वो अरविंद लिमिटेड है, कंपनी की जो काफ़ी मजबूत प्लेयर है इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल में, और जो फॉरेन ब्रांड्स कंपनी लेके आ रही है, जिस तरह से शोरूम खोल रही है और ऑनलाइन पोर्टल भी उन्होंने शुरू किया है, काफ़ी अच्छी कंपनी दिखती है। मुझे लगता है कि रिटेल में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। यहाँ पर मेरी समझ से अगर ये इसमें हम इन्वेस्टमेंट करते हैं और कुछ समय के लिए होल्ड करते हैं तो तकरीबन 350 रुपये रक्षे देखने को मिल सकता है। दूसरी मेरी पिक रहेगी एक साइड इंडस्ट्री, कंपनी के कैपेक्स प्लान काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी मजबूत प्लेयर है, मार्केट शेयर 60% है। यहाँ पर मुझे लगता है तकरीबन 190-195 रुपए के लक्ष्य हमें देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, चलिए अरविंद और एक्साइड पे आप निवेश कर सकते हैं। आशीष, आपकी सलाह क्या होगी? कोई दो ऐसे आइडिया जहाँ पर के लिए निवेश कर सकते हैं? पहला शेयर जो होगा वो एशियन पेंट्स का होगा, इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया है साक्षी, ये करीबन 1 साल से कंसोलिडेट हो रहा था, उसके बाद से करीबन 940-950 का लेवल जो दिखाया है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम और वॉल्यूम के साथ में है, तो यहाँ पर से काफ़ी अच्छा मूव देखा जा सकता है। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग मंथली वीकली और डेली क्लोज भी दिया है, तो फिर इसमें निवेश किया जा सकता है। एक स्टॉप लॉस जो लगा के रखना होगा करीबन 930 का, और ऊपर में टारगेट 1050 का एशियन पेंट में देख पाएंगे। और दूसरा जो स्टॉक होगा वो है PDLite इंडस्ट्रीज का, ये स्टॉक में कल के दिन में भी हमने काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखा, और ये भी काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा था करीबन 600 से 620 के लेवल में, और उसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव क्लोज आया है, रिजल्ट्स अच्छे आए, तो ओवरऑल स्टॉक में मोमेंटम भी बना हुआ है और नए हाई पे चल रहा है, तो निवेश किया जा सकता है। एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है, अगर रेशियो एनालिसिस किया जाए जहां पर काफ़ी सारे स्टॉक्स नीचे चल रहे हैं, आउट परफॉर्मिंग है, इसमें स्टॉप लॉस एक 650 का लगा के रखना होगा, टारगेट 750 के आसपास का देख सकते हैं। चलिए दो पोजिशनल आइडियाज दोनों जानकारों ने आपको बताए हैं। आप शुरुआत करते हैं फटाफट क्वेरीज की, और पहला सवाल भी ले लेते हैं। सुप्रीम इंफ्रा पर सवाल है संजू का हरियाणा से, 1700 शेयर्स इनके पास 111 के परचेजिंग प्राइस पर। सौरभ, संक्षेप में आप एक कमेंट्स ऑन सुप्रीम इंफ्रा।
देखिए स्टॉक थोड़ा वीक हैंड्स में मेरी सलाह यहाँ निकलने की रहेगी। जी, निकलने की सलाह आपको दी गई है। राजस्थान से नवीन पूछ रहे हैं, दीप इंडस्ट्रीज पर सवाल, 101 शेयर्स हैं इनके पास और 173 के भाव पर खरीदारी की हुई है। आशीष, क्या सलाह होगी दीप इंडस्ट्रीज पर? इन्हें थोड़ा प्रॉफिट यहाँ पर बुक करना चाहिए, अच्छा निवेश किया हुआ है और बाकी के लिए ट्रेल करिए, स्टॉप लॉस नीचे में करीबन 145 का लगा के रखे, ऊपर में टारगेट 195 का देख सकते हैं। सौरभ का सवाल है राजस्थान से, मोनसेंटो पर 30 शेयर्स, परचेसिंग प्राइस 2176, क्या करें सौरभ मोनसेंटो में? देखिए जो अगर इसकी पेरेंट कंपनी की अगर वो डील हो जाती है बेयर के साथ तो मुझे लगता है ओपन ऑफर ट्रिगर हो सकता है और जिसके वजह से हम स्टॉक में अच्छी रैली देखने को मिल सकती है, मुझे लगता है कि अभी बने रहना चाहिए। अगला सवाल है महाराष्ट्र से स्नेहा का, GHCL पर ये जानना चाहती हैं, 150 शेयर्स हैं इनके पास, 166 के लेवल्स पर खरीदारी की हुई है, फिलहाल उसी के आसपास ट्रेड भी हो रहा है। आशीष, यहाँ पर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? काफ़ी स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है साक्षी और मोमेंटम बना हुआ है, लेकिन इनकी खरीदी काफ़ी ऊंचे लेवल की है तो थोड़ा रिस्क ज़्यादा है, एक स्टॉप लगा के रखिए 155 का और बने रहिए स्टॉक के अंदर। अगला सवाल है स्नोमैन लॉजिस्टिक्स पर, अजय का दिल्ली से, 3000 क्वांटिटी है, परचेसिंग प्राइस है 59.8 का। सौरभ, आपके कमेंट्स ऑन स्नोमैन लॉजिस्टिक्स? कंपनी काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है इस फाइनेंशियल ईयर के लिए, लॉजिस्टिक इंडस्ट्री पे इंडिया में मुझे लगता है प्रॉमिसिंग स्टोरी एक दिख रही है, यहाँ पर इन्हें बने रहने की सलाह दूंगा। जी, बने रहने की आपको यहाँ पर सलाह दी गई है। अगला सवाल लेते हैं महाराष्ट्र से, सौरभ का ही सवाल है, ये लंबोदरा टेक्सटाइल्स पर जानना चाहते हैं, 344 शेयर्स है इनके पास, 145 के आसपास का इनका परचेसिंग प्राइस है, काफी नुकसान में है। आशीष, क्या सलाह देंगे? ओवरऑल ट्रेंड इस स्टॉक का नेगेटिव है साक्षी और नीचे के और ही चल रहा है, वॉल्यूम्स भी काफी कम हो चुके हैं, तो राय यही होगी स्टॉक से जैसे ही थोड़ा भी पुलबैक मिलता है एग्जिट कर जाइए, इसमें बने रहकर इन्हें कोई रिटर्न मिलने की गुंजाइश नहीं लग रही है फिलहाल। अगली क्वेरी है भारत फोर्ज पर अमरीश की महाराष्ट्र से, 49 शेयर्स इनके पास, परचेसिंग प्राइस है 1190 का, काफी नुकसान में है सौरभ, क्या करें भारत फोर्ज में? देखिए आने वाले एक दो क्वार्टर की थोड़ी वेट कर लीजिए, अगर कुछ इंप्रूवमेंट का सिनेरियो मिलता है तो मुझे लगता है फिर तो ठीक है, अदरवाइज एक क्वार्टर की अर्निंग की वेट कीजिए, अगर डिसअपॉइंटमेंट आती है तो निकल जाए। जी, निकलने की यहाँ पर आपको सलाह दी गई है। अगला सवाल ले लेते हैं वेस्ट बंगाल से अश्विनी का सवाल है, टाटा मेटालिक्स पर 500 शेयर्स है इनके पास, 113 का परचेजिंग प्राइस है, क्या सलाह देंगे? अच्छे प्रॉफिट्स पर है अभी आशीष। देखिए टाटा मेटालिक्स में बहुत ही स्ट्रांग रनअप देखा गया है अभी पिछले कुछ दिनों या हफ्तों में, फिलहाल जब तक ये रनअप चालू है उसमें होल्ड करिए, लेकिन एक स्टॉप लॉस के साथ काम करिए, अगर नीचे ये स्टॉक 3-4% गिरता है तो उसी दिन एग्जिट कर जाइए। जी, अगला सवाल है यूनाइटेड स्पिरिट्स पर बीएल ठाकरे का महाराष्ट्र से, 10 शेयर इनके पास, 3147 के भाव पर, नतीजे भी आना है यूनाइटेड स्पिरिट्स के, सौरभ काफी नुकसान इनको हो रहा है, 3100 का परचेसिंग प्राइस है, 2500 पर ट्रेड कर रहा है, 600 रुपए पर शेयर का लॉस। देखिए मेरा आउटलुक नेगेटिव है कंपनी पे, मेरे हिसाब से निकलना चाहिए। ऑलराइट, चलिए इसी बीच एक ब्रेकिंग खबर आ रही है एनएससी के संदर्भ में, हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि एनएससी की जो लिस्टिंग है वहां पर कहीं ना कहीं अड़चने उमड़ती हुई नजर आ रही हैं, इस पर एक अपडेट भी आया है कि एनएससी ने अब सेबी को इस पूरे मामले पे, इनफैक्ट डार्क फाइबर के मामले पर जवाब भी दिया है। तरुण अब हमारे साथ मौजूद है इस पूरी ही एक्सक्लूसिव डिटेल्स के साथ, बताइए तरुण क्या कुछ डिटेल्स है आपके पास? बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि एनएससी ने डार्क फाइबर केस पे अपना रिप्लाई फाइल कर दिया है, 16 मई को ये रिप्लाई फाइल किया गया है, लेकिन इस रिप्लाई में जो बातें निकल के सामने आ रही हैं, जो हमें सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि एनएससी ने जो टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी की जो ऑब्जर्वेशंस थी जिसमें कहा गया था कि एनएससी ने कुछ पर्टिकुलर ब्रोकर्स को फायदा पहुंचाया है, उस ऑब्जर्वेशन पर ही सवाल उठा दिए हैं उन्होंने, पूरी रिपोर्ट पर सवाल उठा दिया, उन्होंने कहा है कि इस रिपोर्ट में कई खामियां हैं और जिसको या तो किसी रेगुलेटर, फॉरेन रेगुलेटर या किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी से वापस जांच करवानी चाहिए, तो ये कह सकते हैं कि एक समय और एनएससी ने यहाँ पे मांगा है, क्योंकि यदि वापस सेबी इसमें इंडिपेंडेंट एजेंसी से जांच करवाता है तो और थोड़ा समय लग सकता है एनएससी के खिलाफ कोई यदि सेबी एक्शन लेना चाहता है तो। दूसरी जो उन्होंने अपनी रिप्लाई में बात कही है ये बताया है कि एनएससी के किसी एम्प्लॉय का हाथ नहीं है किसी भी ब्रोकर्स को फायदा पहुंचाने के लिए, और तीसरी जो चीज कही है वो ये है कि इस तरीके की जो उस समय एल्गो को लेकर कोई प्रॉपर नॉर्म्स नहीं थे तो ये कहना गलत होगा कि एनएससी ने कोई अपने उस समय को रूल्स जो हैं उनमें वो पूरे नहीं किए, क्योंकि एल्गो को लेकर वहां पे कोई प्रॉपर मैकेनिज्म उस समय नहीं थी।
शुक्रिया तरुण आपका इस पर अपडेट देने के लिए। तो जो क्वेश्चन रेज हो रहे थे डार्क फाइबर मसले के मामले में कि चुनिंदा निवेशकों को फायदा पहुंचाया गया है इस लिंक के जरिए, उसको सिरे से नकारा है एनएससी ने, जो जवाब दिया है अपना सेबी को 16 मई को। इसमें उन्होंने साफ कहा है कि एक्सचेंज को ने किसी भी ऑफिसर ने ब्रोकर को फायदा नहीं पहुंचाया है, और ये भी कहा है कि बहुत खामियां रेगुलेटर या फिर इंडिपेंडेंट जांच एजेंसियों से जांच होनी चाहिए। इस मसले पर ये कॉमेंट्स आए हैं एनएससी की ओर से।